हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर से आप सभी का स्वागत है टेक मेन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों आज का वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं एक ऐसे एप्लीकेशन की कुछ अल्टरनेटिव एप्लीकेशन का बात करने जा रहा हूँ जो एक टाइम पे काफी ज्यादा न्यूज पे आया था, जिसका नाम है कैम स्कैनर। ये एक चाइनीज ऐप है और इस पे बहुत दिन पहले खबर में आया था कि इस पे मालवेयर है जो आपके लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो एप्लीकेशन है इसको अगर हम लोग अपने फोन से निकाल देंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो अल्टरनेटिव जरूरी है हम लोगों को। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज लोग आप लोगों को मैं ऐसे पांच स्कैनिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा जो आप लोगों के लिए एकदम सही होगा, वो चाइनीज प्रोडक्ट भी नहीं है। तो वीडियो को आगे देखते रहिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर पहली बार आप लोग इस चैनल पर आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना, लाइक और डिसलाइक किसी एक बटन को जरूर से दबा देना, ट्विटर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरे को जरूर से फॉलो कर लेना। दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक ही चीज तो अभी अगर आपके फोन पे तो उसको अभी अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप लोग को जो मैं पांच स्कैनिंग एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा उसमें से किसी एक एप्लीकेशन को आप लोग यूज कर सकते हो और वो कैम स्कैनर से तो कहीं गुना अच्छा होगा। और एक चीज है दोस्तों, इसमें जितने भी एप्लीकेशन को मैंने लिस्टेड किया है वो सारे 4.5 के रेटिंग के ऊपर है, बट एक एप्लीकेशन है जो 4.2 रेटिंग पे या स्टार रेटिंग पे है। क्यों मैंने उस एप्लीकेशन को लिया है अगर आप लोग वीडियो को आगे देखोगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा। और जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन का जो डाउनलोड है वो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि जितने भी एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल बनेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो पे आगे बढ़ते, तो एप्लीकेशन जितना है वो बताने के लिए आप लोगों को मैं लेके चलूंगा मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। वहां पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि कौन सा एप्लीकेशन है और कौन सा इस एप्लीकेशन का फीचर्स भी है। तो चलो चलते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर। सो दोस्तों मैं आ गया हूं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। तो पहला जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है एडोबे स्कैन। तो ये जो एप्लीकेशन आप लोग देख रहे हो इसका जो रेटिंग है वो है 4.7, 28 MB का एप्लीकेशन है और 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। दोस्तों यहां पे मैं अगर कुछ स्पेसिफिकेशन या फीचर्स का बात करूं तो ये एक फ्री डॉक्यूमेंट स्कैनर है फ्रॉम एडोब। एडोब बहुत ही ट्रस्टेड एक कंपनी है, तो आप लोग इसको आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। और एक चीज देखिए कि रिमूव इम्परफेक्शंस एंड यूज फॉर्म्स, तो आप लोग ये जितने भी उल्टा उल्टा चीज है वो भी हटा सकते हो। उसको छोड़ के आप इंटेलिजेंट सर्च भी कर सकते हो, पर्टिकुलर किसी वर्ड के लिए आप सर्च कर सकते हो। इवन OCR का सपोर्ट भी मिलता है, तो आपका भी कोई भी PDF है तो वहां से भी आप लोग किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हो। इवन आप लोग स्कैन हो जाने के बाद उसको आप लोग ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हो, अगर आपको कलर वगैरह मॉडिफाई ये सारा चीज करना है तो। और आप लोग इस कन्वर्ट इमेज फाइंड डॉक्यूमेंट्स टू स्कैन इन फोटो, तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके फोटो पे भी चेंज कर सकते हो। और उसके साथ साथ आप लोगों को जो लेआउट है उसको भी आप परफेक्ट पेज साइज के हिसाब से सेट कर सकते हो। और उसके साथ आप लोग इंस्टेंट कॉन्टैक्ट के साथ इसको शेयर कर सकते हो, और शेयर का भी जितने भी ऑप्शन है आप लोगों के सामने बहुत सारा शेयर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप लोग किसी भी अपने फ़ोन पे सेव कर सकते हो, इवन आपका जो सोशल मीडिया है व्हाट्सएप वगैरह मेल वगैरह उसके थ्रू भी आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट जिस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों बात करूंगा वो है फर्स्ट स्कैनर। फर्स्ट स्कैनर का भी रेटिंग आप लोग देख रहे हो 4.6, 16 MB का फाइल है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। इसका दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए दोस्तों ये जो है इसको आप अपने मोबाइल पे आराम से सेव कर सकते हो, जितने भी आपका फाइल वगैरह है डॉक्यूमेंट्स है इसको आप हाई क्वालिटी PDF डॉक्यूमेंट पे सेव कर सकते हो। आपका जो एज वगैरह है उसको भी ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, आपको कोई चिंता का बात नहीं है। इवन आप मल्टीपल स्कैन मोड को भी चला सकते हो और ये ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल एंड कलर को एनहांस करके स्कैन करता है। मतलब आपका अगर जो कलर इमेज कलर जो पेज होता है उसको भी आप लोग बहुत अच्छे से इवन प्रॉपर कलर के साथ स्कैन कर सकते हो। और देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग बहुत से इसको जो ईमेल वगैरह जीमेल वगैरह ड्राइव पे भी आप लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसको छोड़ के आप लोग यहां पे डायरेक्टली गैलरी पे सेव कर सकते हो, रिनेम कर सकते हो, इसको स्टोरेज पे सेव कर सकते हो। इवन आप इसको यहां पे
ओपन पीडीएफ के थ्रू भी इसको ओपन कर सकते हो। और ये यूनिवर्सल ऐप है जो सेलफोन एंड टैबलेट दोनों के साथ ही काम करता है। नेक्स्ट जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा वो है आपका ऑफिस लेंस। ये माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से आता है तो एकदम ट्रस्टेड है। 4.7 रेटिंग है, 43 MB का फाइल है, 10 मिनियल प्लस डाउनलोड है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ईजी जो है आप इस पे डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। स्कैन करने के बाद कुछ ऐसा लेआउट आप लोगों के सामने आएगा। इवन आप लोग अगर कोई भी व्हाइट बोर्ड भी देख रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड से भी आप लोग इसको स्कैन कर सकते हो, उसके बाद आपको ऐसा लेआउट मिल जाएगा। और इवन आप लोग इसको गैलरी पे पीडीएफ के थ्रू वन नोट वन ड्राइव वर्ड पावर पॉइंट कहीं पे भी इसको सेव भी कर सकते हो। तो आप लोगों के सामने इतने सारे ऑप्शंस भी मिल जाता है। नेक्स्ट जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा उसका नाम है नोटब्लॉक। तो ये नोटब्लॉक जो एप्लीकेशन है दोस्तों इसका भी आप लोग रेटिंग देख रहे हो, 4.6 रेटिंग है और ये जो है 12 MB का फाइल है और 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो इस पर भी आप लोग देखिए इधर पे आप लोग बॉर्डर एडजस्ट करके स्कैन आराम से कर सकते हो। आपका जो प्रॉपर एज है उसको भी ये स्कैन कर लेगा, सेव कर सकते हो और इसको शेयर भी कर सकते हो। इवन आपको परफेक्ट स्कैन का भी ऑप्शन इधर मिल जाता है। आप किसी भी टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट के पोर्शन को। वो जो यहाँ पे आप लोगों को OCR का सपोर्ट भी मिलता है। इवन आप लोग यहाँ पे फोल्डर्स जितने भी है उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज भी करके रख सकते हो और यहाँ पे आपका गूगल ड्राइव पे भी आप लोग इसको सिंक करके वहाँ पे भी आप लोग इसको सेव करके रख सकते हो। और एक चीज़ है, आप लोग यहाँ पे PDF क्रिएट करके इसको जीमेल वन ड्राइव व्हाट्सएप फेसबुक या मैसेज जितने भी जगह से आप लोग इसको आराम से शेयर भी कर सकते हो। और देखिए आप लोगों का इतने जितना भी पेजेस वगैरह है, जितने भी आप लोग स्कैन वगैरह करते हो वो सारे चीज़ को भी आप लोग एक जगह पे अच्छे से रीअरेंज कर सकते हो। एंड द लास्ट वन इज फोटो स्कैन। तो सॉरी एक मिनट, लास्ट जो एप्लीकेशन है उसका नाम है आपका फोटो स्कैन। तो ये जो फोटो स्कैन एप्लीकेशन है इसका रेटिंग आप लोग देख रहे हो 4.2 रेटिंग है, 25 MB का फाइल है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है। आप अगर बोल सकते हो कि 4.2 रेटिंग वाला क्यों आप लोग आपने लिया है, क्योंकि ये गूगल LLC का प्रोडक्ट है, आप लोग ऊपर पे देख सकते हो। तो इस पे भी आप लोग देखिए आप लोग यहाँ पे फोटो वगैरह को भी स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो फोटो है वो एकदम बहुत चुटकी पे और कुछ ही सेकेंड के अंदर ये स्कैन हो जाएगा। इस पर आप लोग को कोई भी ग्लर नहीं आएगा। यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली क्रॉप एनहांस एंड रोटेट कर सकते हो, ये हो जाएगा आपके लिए और इसको आप गूगल फोटोज पे सेव करके रख सकते हो। इवन आपका जितने भी ऑप्शन है वहाँ मतलब जितने भी ऑप्शन होता है शेयर करने का वहाँ पे भी आप लोग शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों बस यही था कुछ 5 एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन को आप लोग आराम से यूज कर सकते हो। और जो एप्लीकेशन है सारे एप्लीकेशन बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा आप इसमें से किसी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और उसके बाद उसको यूज करो। और मेरे को जरूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों के फोन में कौन सा एप्लीकेशन है और आप लोग अभी तक कैम स्कैनर को यूज कर रहे हो कि नहीं। सो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया ये 5 एप्लीकेशन का जो नाम मैंने बताया, इसमें से किसी भी एक एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जितने भी एप्लीकेशन है सारा एप्लीकेशन ट्रस्टेड साइट से आता है, जैसे एडोबे हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया। तो ये जितने भी एप्लीकेशन है आप लोग एकदम आराम से अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हो। और जितने भी फीचर्स मैंने बताया, मैं शायद उम्मीद करूंगी ये सारे जो फीचर्स है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। और उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल में अच्छे को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।